हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट की है। तो यहां से अगर आपने कम्युनिटी एडिशन आपके पास है, देखिए जो डेवलपर एडिशन है उसे तो आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन कम्युनिटी एडिशन को जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट कम्युनिटी एडिशन है इसको आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद यहां पर इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा ये। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे और जब ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे चलाइए तो इंटरनेट से कनेक्ट रहिए। तो कनेक्ट पे क्लिक कर दिया, ऑलरेडी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, ठीक है। अब इसमें भी आप क्वेरी लिखते हैं। अब इसमें देखिए दो फायदे हैं, जैसे डेटाबेस पे गए ना तो यहां पर इसे एक्सपेंड किया मैंने, तो यहां से आप जाकर के डेटाबेस बना सकते हैं। यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर जाकर डेटाबेस बन जाएगा। देखिए कितना आसान है, यहां पे गए राइट क्लिक किया तो ये देखिए डेटाबेस आ गया। अब इस डेटाबेस को जो भी नाम देना चाहे यहां से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट डाटाबेस कर देता हूं, ये कर दिया स्टूडेंट डाटाबेस, और यहां से इसे ओके करेंगे तो ये स्टूडेंट डाटाबेस ऐड हो जाएगा। देखिए नीचे ऐड हो गया, तो यानी डेटाबेस आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यही चीज जो डेटाबेस आपने बनाया इसको आप क्वेरी से भी बना सकते हैं। तो यहां क्वेरी लिख के बनाइए या ऐसे बना लीजिए, दोनों बहुत आसान है, ठीक है। अब इस पे जाइएगा तो आपको टेबल बनाना है, तो डबल क्लिक जैसे ही करते हैं इस पे तो यहाँ पे टेबल आएगा, राइट क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से न्यू पे चले जाइएगा और टेबल पे चले जाइएगा। तो जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने ये सिनेरियो ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर कॉलम का नेम देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉलम का नेम मैं क्या दे देता हूँ, रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के लिख देता हूँ आईडी। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन आईडी, और यहाँ पर इसे डेटा टाइप देख सकते हैं। इस तरीके के डेटा टाइप आपको इसमें मिल जाते हैं, बिग इंट, बाइनरी, बिट, कैर, डेट, टाइम, इस तरह के डेटा टाइप आपको मिलते हैं। इवन इसमें इमेज भी डेटा टाइप मिलता है आपको, ठीक है। वेर कैर भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर मैं एन कैर रखता हूँ, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, तो यहाँ पे कर देंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से कर देंगे। देख लीजिए ये बहुत आसान है, ठीक है ना। और यहाँ पर अलाउ नल, तो इसे नल अलाउ नहीं रखेंगे हम। और यहाँ पे साइज 10 दी गई है, चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं इस साइज को, ठीक है। तो यहाँ पे 20 कर देते हैं, साइज 20 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास की बात कर लेते हैं। तो ये क्लास हो गया, और यहाँ पे क्लास जो है इंट डेटा टाइप आप रख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। यहाँ से इंट कर सकते हैं आप, या टेक्स्ट भी रख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा वैसा करिएगा। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट ही रख लिया, तो ये कर दिया हमने। लेकिन इसमें कोई प्राइमरी की हमने अभी तक नहीं बनाया, तो प्राइमरी की कैसे बनाए। तो प्राइमरी की बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आईडी को प्राइमरी की बनाना है, तो क्लिक किया इस पे और ऊपर आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपको आएगा सेट प्राइमरी की, देख रहे हैं। तो ये प्राइमरी की सेट कर दीजिए इसे। अब जो है ये हमारा डेटाबेस बन गया, और टेबल भी हमने बनाया, टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराए वो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं यहां से इस तरीके से, और ये यस कर देते हैं, ये सेव हो जाएगा। टेबल वन के नाम से सेव हो रहा है ये, और इसे मैं स्टूडेंट टेबल वन के नाम से सेव कर देता हूं। तो ये हमने सेव कर दिया। अब ये टेबल पे जब जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर वो स्टूडेंट टेबल वन दिखाई देगा। अब यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। अब देखिये यहाँ पर प्राइमरी की बनाने का बड़ा महत्व है, देखिए हर डेटाबेस में प्राइमरी की का बड़ा महत्व है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी अगर मैं 1 डाल देता हूँ, और स्टूडेंट नेम राम कर देता हूँ, क्लास 12th कर देता हूँ, अब मैं दोबारा 1 नहीं कर सकता यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1 किया, और यहाँ पे राकेश करता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ और 12th करता हूँ, तो यहाँ पे ये अपोज करेगा, कहेगा ना कि नो रो वॉज अपडेटेड, क्योंकि द डाटा इन रो 2 वॉज नॉट कमिट, एरर, ठीक है। और ये वायलेशन देखिए नीचे लिख भी रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आपको इसे हटाना होगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, लेकिन 1 नहीं रख सकते आप, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये प्राइमरी की हो गया आपका, ठीक है। बाकी के ये जो दो फील्ड्स है ये आपके फॉरेन की हो जाएंगी, ठीक है। फॉरेन की क्यों, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, तो ये फॉरेन की हो सकता है, ठीक है। आप इसे यानी इस वाले को आप अल्टरनेट की भी कह सकते हैं, ठीक है।